हेलो एवरीवन, दिस इज़ अश्विनी एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर हेल्दी रेसिपी। सो आज मैं जो रेसिपी बनाने वाला हूँ बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है। इसे आप कभी भी खा सकते हैं जब भी आपको भूख लगी हो। सो इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं सारे हेल्दी हैं और मैं इसे बिना ऑयल के बनाऊँगा। सो जिसे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो भी इसे यूज़ कर सकता है और ये आपके लिए हेल्दी है। बच्चों को भी आप इसे सर्व कर सकते हैं और इसमें जो मैक्रोज हैं वो आपको गुड फैट मिलेगा। इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स, सो सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। इसमें जो भी चीज़ें आप चाहें तो कुछ चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स की, इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है। सो यहाँ इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास है अनियन, टमाटोज़, क्यूकम्बर। सो ये सारी चीज़ें जो है ने मैंने चॉप कर लिया है। साथ में मैंने पनीर का यूज़ किया हुआ है। पनीर की जगह आप चाहें तो आप सोया यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वेट गेन नहीं करना है तो सोया के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको पनीर यूज़ करना चाहिए अपने डाइट में। सो ये जो पनीर है ये लो फैट पनीर है। साथ में मैंने इसके बैटर रखा हुआ है इसका। सो बैटर बनाने के लिए आपको राइस, चावल जो होता है, चावल को रात भर पानी में भिगो के रखना होगा और मॉर्निंग में इसे ड्रेन करके इसे मिक्सर में आप पीस लें और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक रखें। सो ये अच्छा होगा आपके लिए। सो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सो इसे बनाने के लिए हम सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं हमारे उन सभी को पनीर के साथ मिक्स करेंगे। सो यहाँ मैंने साथ में सॉल्ट भी अभी डालना आपको। सो इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है आपको। अब ये हमने मिक्स कर लिया है। अब चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सो गाइस तैयार है हमारी ये रेसिपी। यहाँ पे चलिए टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। अमेजिंग, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। टेस्ट के साथ साथ अच्छी हेल्थ भी मिलेगी आपको। सो आप ये अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।